हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। बाल एवं महिला विकास विभाग के द्वारा 26 जुलाई को एक और नई अधिसूचना जारी की गई है, जहां पर सीधे इंटरव्यू से पद भरे जाएंगे। कोई भी ग्रेजुएट जो है यहां पर अप्लाई कर सकता है। सैलरी जो है यहां पर मैक्सिमम 36,453 रखी गई है। उम्र जो है यहां पर 18 से लेकर 37 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और यहां पर किसी के लिए भी कोई रोक नहीं है। किसी भी राज्य के अभ्यर्थी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल आपका इंटरव्यू होगा और जल्द ही होगा। आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, 1 अगस्त को आपका इंटरव्यू होगा, तो अप्लाई आप जल्दी कर दें। यहां पर कुछ सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और एप्लीकेशन करते समय आप लोगों की कोई भी फीस यहां पर नहीं मांगी गई है। तो ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर हेडलाइन जो है वो आपको नजर आ रही है, येलो में लिखा है हेडलाइन। और रनिंग में देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो है वो नोटिफिकेशन है, तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। जो सेकंड नोटिफिकेशन है जिस पर न्यू लिखा हुआ है द पोस्ट आर रिक्वायर्ड, इस पर आप जो है वो क्लिक कर लेंगे तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल ऊपर दिया हुआ है और लास्ट में जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, जिसको आप फिल करके और 1 अगस्त को इंटरव्यू के समय पहुंच जाएंगे अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ में। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो कि उम्र जो है जितनी भी पोस्ट है 18 से 37 जो साल जो है यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है, जितनी भी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वह है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की, जहां पर फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएगी, उनके लिए आरक्षित है यह सीट। एक पोस्ट है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन मांगी गई है एनी वुमेन हैविंग अ मास्टर इन लॉ, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस या साइकोलॉजी। यदि आपने एमए लॉ में किया है, सोशल वर्क में किया है, सोशियोलॉजी में किया है, सोशल साइंस में किया है या आपने साइकोलॉजी में किया है, इनमें से किसी एक में आपने किया है और आपके पास जो है वो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है अगर कहीं भी वुमेन रिलेटेड काम करने का, तो आप जो है यहाँ एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर 36,453 रुपए आप लोगों को यहाँ मंथली पेमेंट मिलेगा। यहाँ वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को 1 अगस्त को पहुंच जाना है, जितनी भी पोस्ट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये जो पोस्ट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसी आई है, द यूनिट ऑफ द चंडीगढ़ चाइल्ड वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी से। दूसरी जो वैकेंसी है कॉल ऑपरेटर की है, जहां भी फीमेल ही अप्लाई कर पाएंगी। यहां पर 7 जो है वो रिजर्व हैं, पहले में जो है वो 1 पोस्ट है और यहां पर 7 पोस्ट रिजर्व हैं। तो यहां पर ग्रेजुएट मांगा गया है, आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, एनी, आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी किया हो, साथ में आपको हिंदी इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए और जो कि सभी को आती ही है। तो और यहां पर 18 से 37 साल की जो गर्ल्स हैं वह अप्लाई कर पाएंगी। 25,389 जो है यहाँ आप लोगों को पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वह है आईटी सुपरवाइजर की है, जहाँ मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 सीट है यहाँ पर, ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया है, आपने कंप्यूटर या आईटी में जो है वो डिप्लोमा किया हो और 3 साल का आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर वर्क करने का किसी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ सैलरी 30,189 आपको मिलेगी। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की जो है एक और है, जिसमें एक जो पोस्ट है जो इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर चाहिए इसमें लॉ में, सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, सोशल साइंस में या साइकोलॉजी में, और यहाँ पर एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्था में काम करने का जो है वो आपको पास होना चाहिए चाइल्ड से संबंधित, ठीक है, बच्चों से संबंधित। यहाँ 36,453 आप लोगों को सैलरी मिलेगी। कॉल ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, जिसमें 7 हैं, जहाँ मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं, ग्रेजुएट यहाँ पर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, साथ में यहाँ पर आपके पास जो है वो एक एक्सपीरियंस जो होना चाहिए काम करने का टेलीकॉम और वेब बेस्ड रिलेवेंट सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पर सैलरी 25,389 आपको मिलेगी। सभी का जो इंटरव्यू है वह 1 अगस्त को होगा। अब यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कैसे जो है वो एप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें जो है वो लिखी गई हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शैल रीच द प्रीमिस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आशा किरण सेक्टर 46D चंडीगढ़ ऑन डेटेड 1/8/2023 बिटवीन
9:30 AM to 10:30 AM। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जिनको ये लगता है कि हाँ ये जॉब मेरे लिए सही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है ये, और तो आप लोगों को 9:30 से 10:30 बजे तक 1 अगस्त को समय पर पहुँच जाना है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आशा किरण, सेक्टर 46D चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर आप लोगों को पहुँच जाना है। बाकी डिटेल में जो एड्रेस है वह भी नीचे दिया हुआ है। साथ में आप लोगों को क्या ले जाना है, कंप्लीट बायोडाटा, फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको भर के ले जाना है, बायोडाटा जिसमें आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपकी हॉबी, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस रहा है कहीं पर तो वो चीज़ आप जो है खुद लिख लें या फिर किसी से टाइप करवा लें। बायोडाटा के साथ में आपका भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल, जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनकी फोटो कॉपी और नीचे खुद के साइन किए हुए, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और साथ में आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेकर जाने हैं। कहीं पर भी पोस्ट नहीं करना है, आपको 1 अगस्त को पहुंचना है, वहीं आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और बाकी जो है ये फोन नंबर भी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, तो इस पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, और ये डिटेल में जो है वो आपका एड्रेस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो लास्ट पेज पर है इसी नोटिफिकेशन के। कई स्टूडेंट ये कह रहे थे कि मैम राजस्थान की जो वैकेंसी है वो आप नहीं बताती हो, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की। देखिए जितनी भी वैकेंसी आती हैं तुरंत मैं आप लोगों को सूचना देती हूँ ताकि आप लोग जो है वो समय पर फॉर्म फिल कर सकें। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जैसे कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट राजस्थान की जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, तो ये जो है वर्ल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट राजस्थान कि जो मेन वेबसाइट है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप कंप्लीट जो दस्तावेज हैं जिसमें आप देख सकते हो भर्ती जो आ चुकी हैं महिला अधिकारिता निदेशालय विभाग की तरफ से, तो नागौर साथिन की विज्ञप्ति जो है वो 21 जून को निकली थी, 16 जून को सवाई माधोपुर में निकली थी, 24 अप्रैल को बीकानेर में निकली थी। इसके अलावा जो है वो 20 अगस्त 2020 को भी पहले निकली थी प्रदेश में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 300 पदों पर भर्तियां। तो जैसे जैसे वैकेंसी आती जाती हैं मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को समय पर जो है वो सूचना मिल सके। कई वैकेंसी जो है वो बिल्कुल निकल जाती हैं, जैसे प्राइवेट जॉब जो होती हैं वो विद इन 7 या 12 डेज के अंदर जो है वो वैकेंसी फिल हो जाती है, उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन करने का कोई भी सेंस नहीं रहता है। तो समय पर जो है वो आप लोग फॉर्म भरा करें यदि आप वहां के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।